हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों क्या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। प्यारे बच्चों, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक पढ़ाया था और ये राइट हैंड रूल उसी को बिलोंग करता है। मींस अब की बार आपको राइट हैंड लेना है और राइट हैंड को जिस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड को अपने 90 डिग्री पे रखा था वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, अब की बार इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक एक करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है जी, अब देखिए राइट हैंड रूल जिसमें से ये क्या होगा आपका, एक मिनट। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, इसमें इसको आप 90 डिग्री ना बना के थोड़ा सा अलग बनाइए राइट हैंड रूल को। अगर राइट हैंड बनाएंगे तो ये बनेगा ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक नीचे। ठीक है, ये होगा बच्चों आपका इंड्यूस्ड करंट। विद्युत प्रेरण, ठीक है जी, क्या होगा, विद्युत प्रेरण। ठीक, ये होगा बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, और ये होगा बच्चों आपका, ये विद्युत प्रेरण, ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा आपका फोर्स। ठीक है, यानी बल, बल नहीं, मोशन, मोशन होगा ना, गति। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने जो इंड्यूस करंट के बारे में कंडीशन पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जब हम लोग क्या करते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड करंट को, यानी क्या, करंट को इंड्यूस करते हैं। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में करंट को इंड्यूस करते हैं तो वहां पे क्या होता है बच्चों, मोशन होता है। याद है मैंने बार मैग्नेट को उसके अंदर प्लेस किया था, किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, प्ले वो कॉइल के अंदर प्लेस किया था, तो मतलब क्या देखा मैंने, मोशन देखा। किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसका मोशन देखा, करंट का मोशन देखा। मतलब जब कोई, यानी अगर कॉइल है आपके पास इस तरीके से, ये करंट, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, और इसके साथ अगर मान लीजिए मैंने कोई कॉइल रख दी है गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ, तो बच्चे ये आपके क्या होगा, आपके लिए ये इंड्यूस करंट की वजह से सारा का सारा करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा, सारा का सारा करंट इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम इस प्रकार से ये सारा का सारा क्या कर रहे हैं हम, कि करंट को एक धारावाही, मतलब जिसके अंदर करंट जा रहा है उसका करंट उठा के एक ऐसे हिस्से में डाल रहे हैं जिसमें करंट नहीं है। और ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाते हैं बच्चों, तो हाई पोटेंशियल से करंट हमेशा किस तरफ जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो यहां से करंट उठ के इसकी तरफ आ जाएगा। तो वही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट को इंड्यूस करते हैं तो क्या पैदा हो जाती है बच्चों, मोशन, गति का उत्पन्न होता, बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन सी फिंगर है, तो सारी एक एक करके देख लेंगे बच्चों। ठीक, तो ये फिंगर है आपकी फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी फोर फिंगर, ठीक है, मतलब तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा, मिडल फिंगर,
ठीक है, और ये मोशन, ये कौन है, थंब, अंगूठा, अंगूठा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, टॉपिक लिखेंगे डोमेस्टिक वायरिंग, टॉपिक लिखेंगे डोमेस्टिक वायरिंग। हाँ जी, लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे डोमेस्टिक वायरिंग। बच्चों के घरों के अंदर किस तरह की वायरिंग लगाई जाती है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, घरों के अंदर जो वायरिंग लगती है वो हमेशा किस प्रकार की वायरिंग लगती है बच्चों, हमेशा पैरेलल कनेक्शन में पूरा सर्किट लगता है। सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हर किसी का अपना खुद का स्विच होता है, हर किसी का मतलब हर अप्लायंसेस का, पंखे का अलग स्विच है, लाइट का अलग स्विच है, एसी का अलग स्विच है, तो हर किसी का स्विच क्या होता है बच्चों, अलग होता है, किसमें, पैरेलल में। दूसरा दूसरा क्या भाई, कि इसके अंदर एनर्जी यानी कि जो लाइट की कंजम्पशन है वो हर, चाहे कितने भी फ्लोर पे चले जाओ आप, चाहे किसी भी तरीके से चले जाओ, आगे पीछे कर कुछ भी कर लो, हर अप्लायंसेस तक बराबर बराबर करंट पहुंचता है जितने की उसको नीड है। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट के साथ चल जाएगा, 20 वाट का बल्ब है 20 वाट के साथ, 250 वाट का है कोई तो 250 वाट के साथ, मतलब पैरेलल के अंदर जिसकी जितनी जिसको जितनी कनेक्टिविटी चाहिए होगी वो उसी हिसाब की कनेक्टिविटी लेके चलेगा। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से पूरे घरों के अंदर वायर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन की वजह से हमें तीन वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। ठीक है जी, ये हमने नाम दे दिया है ब्लैक कलर, ठीक है, ग्रीन कलर और ये। तो रेड कलर की जो होती है, लाल कलर की जो तार होती है, ये हमने नाम दिया, ऐसा कुछ नहीं, अब तो चेंज भी हो जाता है। रेड कलर की जो वायर होती है उसे लाइव वायर कहते हैं, विद्युत मान्य तार। ठीक है, ब्लैक वाले को, काले तार को, ठीक है, को हमने दिया है न्यूट्रल वायर। क्या नाम दिया इसको, न्यूट्रल वायर, उदासीन तार। ठीक है, और ग्रीन को क्या नाम दिया हमने, ग्रीन, हरे को क्या नाम दिया हमने, अर्थ वायर, भू तार। ठीक है जी, ये तीन तरह के तार होते हैं। लाइव वायर मतलब क्या बच्चों, जिसमें हर समय क्या रहता है बच्चों, करंट रहता है। ब्लैक न्यूट्रल वायर, एक तार ऐसा होता है जो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई करंट नहीं होता। ठीक है, और एक होता है ग्रीन वायर, इसके अंदर क्या, ये अर्थ वायर होता है, जब शॉर्ट सर्किटिंग जैसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये लाइव वायर का जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो इस वाले वायर में चला जाता है, किसमें, अर्थ वायर में, और वो सारा करंट कहाँ भेज देता है, अर्थ में भेज देता है, ताकि लोगों को करंट लगने से बचाया जा सके। तो डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर बच्चों ये तीन तरह के तार का प्रयोग किया जाता है। फटाफट लिख लेंगे कि रेड वायर लाइव वायर होता है, ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर, और ग्रीन वायर क्या होता है, अर्थ वायर होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अच्छा आगे लिखो बच्चों, अर्थ वायर के बारे में लिख लो, थोड़ा अर्थ वायर के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी। अर्थ वायर के बारे में लिखो, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज अर्थड, द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, द मेटल बॉडी लिखेंगे, द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अर्थड, हिंदी वाले लिखेंगे, विद्युत के
विद्युत के झटकों से बचाने के लिए, विद्युत के झटकों से बचाने के लिए धातु की वस्तु जो विद्युत उपकरण में प्रयोग की जाती है, धातु की वस्तु जो विद्युत उपकरण में प्रयोग की जाती है उसे भू भू मतलब क्या, धरती से जोड़ा जाता है, उसे धरती से जोड़ा जाता है। अब लिखो इलेक्ट्रिक फ्यूज, लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म, लिख लो इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्यूज में दो बातें होती हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज में, एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, और एक होता है ओवरलोडिंग। इसे कहते हैं लघुपतन और इसे कहते हैं अतिभ्रमण। अतिभ्रमण, ठीक है। अब क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग और क्या होता है ओवरलोडिंग, तो सुनेंगे जरा। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? जब लाइव वायर को न्यूट्रल वायर टच कर ले, ठीक है, विद्युत तार को उदासीन तार टच कर ले, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी। कभी देख लेना आप न्यूट्रल वायर को, कभी लाइव वायर से कनेक्ट करना एकदम चिंगारी से फेंक देगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग कब होता है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से हो जाए कनेक्ट। और ओवरलोडिंग क्या होता है? जब एक साथ आप बहुत सारे अप्लायंसेज यूज कर रहे हो, एसी भी है ना, पंखा भी, ठीक है, कूलर भी, फ्रिज भी, तो ये सारे अप्लायंसेज एक साथ, बहुत सारे अप्लायंसेज, ये वॉशिंग मशीन भी, टीवी भी, बहुत सारे अप्लायंसेज एक साथ यूज कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है? ओवरलोडिंग बोला जाता है, अतिभ्रमण, ठीक है। तो चलिए एक एक करके लिखिए, पहले शॉर्ट सर्किटिंग की डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले शॉर्ट सर्किटिंग लिखिए, लिखो The touching of the live wire and neutral wire directly is known as short circuit. अगला है overloading. लिखिए
हाँ जी लिखेंगे बच्चों, ओवरलोडिंग का, इफ टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग हिंदी वाले लघुपतन लिखेंगे पहले। जब विद्युत मान्य तार उदासीन तार से छू जाती है, जब विद्युत मान्य तार उदासीन तार से छू जाती है तो उसे लघुपतन कहते हैं। अगला ओवरलोडिंग मतलब अतिभ्रमण, अतिभ्रमण लिखो। जब बहुत सारे विद्युत उपकरण एक साथ विद्युत उपकरण एक साथ चला दिए जाएं, जिनका पाठ्यांक बहुत अधिक हो, जिनका मीटर में पाठ्यांक बहुत अधिक हो, जिनका मीटर में पाठ्यांक बहुत अधिक हो, तो उसे अतिभ्रमण कहते हैं, तो उसे अतिभ्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 13 खत्म हो चुका है। ठीक है, हाँ जी, तो आपका चैप्टर नंबर 13 प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया है मैग्नेटिज्म, और इसमें आप कुछ बचा नहीं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू करवाऊंगा इसमें, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए हम करते हैं, आज ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं।